से 15 अगस्त तक तिरंगा हमें हर घर में फहराना ही फहराना है, ये कसम खा के यहाँ से जाना है, और अगर मौका मिले तो लाहौर में भी तिरंगा फहराना है। अगर लाहौर में भी तिरंगा फहराना है, अपने मुल्क की तो बात छोड़ो, हर घर तिरंगा होना चाहिए। एक शेर अर्ज करूंगा, उसके बाद 3 बार भारत माता की जय होगा, उसके बाद ये कार्यक्रम समाप्त होगा। अर्ज किया है, वंदे कहो कहो मातरम, वंदे कहो कहो मातरम, बात है अपने आन की, बात है अपने शान की, जय भारत की, जय जय हो हिंदुस्तान की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, जय हिंद जय भारत। पूरा देश आज कारगिल विजय दिवस मना रहा है और इसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक आह्वान पूरे देशवासियों के साथ किया था कि हर घर तिरंगा जो है वो लहराया जाए और देशभक्ति में पूरा देश जो है वो सर्वोर दिखना चाहिए। इसको देखते हुए पूरे देश में आज कार्यक्रम हो रहे हैं, जम्मू में भी जो अलग अलग जगह कार्यक्रम हो रहे हैं, और इस बीच आज जम्मू के वैष्णवी धाम में यहाँ पर सीमा सशस्त्र बल भी सशस्त्र सीमा बल भी जो है वो कार्यक्रम कर रहा है। और मेरे साथ जम्मू जोन के DIG हैं राजेश टिक्कू साहब। टिक्कू साहब, जिस तरह से पूरे देश में ये एक मुहिम भी एक किस्म से चल रही है कि हर घर में तिरंगा लहराना चाहिए, तो कितना अहम आप ये समझते हैं और कारगिल विजय दिवस को किस तरह से सेलिब्रेट कर रहे हैं सर? कारगिल विजय दिवस हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, वो हमेशा अच्छे से मनाया जाएगा। और जो आज का कार्यक्रम हमने आयोजित किया है यहाँ पर, वो सिर्फ इसलिए कराया है कि सब लोग जागरूक रहें कि हमारे को नेशनल फ्लैग के प्रति, जो ऑलरेडी मैं बताते आ रहा हूँ कि पैट्रियटिज्म और नेशनलिज्म जो है हमारे लिए ऑलवेज हर चीज़ से ऊपर रहेगा। सर, अगर हम बात करें, इस समय अमरनाथ यात्रा भी चल रही है और SSB का एक अहम रोल है और हर जगह वो है अपनी तैनाती से लोगों की सेवा भी कर रहे हैं और इवन वो तमाम उस अहम इंस्टॉलेशन में भी जाकर अपनी सेवाएं दे रहे हैं, किस तरह मानते हैं कि SSB का रोल जो है वो कैसा इस समय जो है निभाया जा रहा है? SSB आज से ही नहीं, शुरू से, जब से SSB का रेजिंग हुआ है तब से SSB ने हमेशा अपना जो कार्य है सेवा सुरक्षा तो सुरक्षा बंधुत्व के अंदर में कर रहा है, जो हम आज भी कर रहे हैं। सर, क्या कहेंगे देशवासियों को अंततः, आप क्या एक संदेश देना चाहेंगे और बधाई भी अगर हम कारगिल दिवस की बात करें? यही संदेश देना चाहेंगे कि हमारे को अपने देश के प्रति हमेशा तैयार रहना चाहिए, जितने भी हमारी डिफिकल्टीज आती हैं सामने देश के लेके, तो उन चीज़ों को देखते हुए हम लोग हमेशा तैयार रहें और देश को आगे बढ़ाने में पूरा सहयोग दे सरकार का। धन्यवाद सर। तो साफ तौर पे आज हर घर तिरंगा जो है उसकी जो मुहिम जो है चलाई जा रही है, पूरे देश में कार्यक्रम भी हो रहे हैं, और अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें, खास तौर पे समय अमरनाथ यात्रा चल रही है और इस तरह अभी जिस तरह से ये कार्यक्रम जो है वैष्णो धाम में जो हो रहा है और यहाँ पर रजिस्ट्रेशन भी अमरनाथ यात्रियों की हो रही है, तो वो लोग भी यहाँ पर आए हैं, इस पूरे पूरे अवसर को देख रहे हैं, हालांकि अपने घरों से दूर हैं लेकिन देश के प्रति जो उनका भाव है, जो प्रेम है, वो दिख रहा है और जिस तरह से वो इस पूरे कार्यक्रम में शामिल हुए थे और खास तौर पे SSB की तरफ से जो पूरा प्रोग्राम रहा इसकी भी बहुत सराहना की जा रही है। और यही हम कहेंगे कि जिस तरह से भारतीय शूरवीरों ने पाकिस्तान को धूल चटाकर करगिल में फतेह हासिल की थी, तो ये मौका जो है हर साल हम मनाते हैं और इसे हर साल बड़े धूमधाम से मनाना भी चाहिए। ब्रजेंद्र शर्मा के साथ ख्वाहिश पटेल, JK News Wire, जम्मू।